सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। स्कॉलर्स वैली, अ होम ऑफ एजुकेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 8, कॉल 9235442970, नियर उकार हॉस्पिटल, सुंदरपुर वाराणसी। एजुकेशन पार्टनर विद टाटा क्लास 8। सोनल कुशवाहा, आप लोग यहाँ पर धरने पर आई है क्यों? बीएचयू में लड़कों पे बहुत लाठी चार्ज हुआ है, उसके अपोज में हम लोग यहाँ पे धरना कर रहे हैं। हाँ, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारा मांग है कि बीएचयू से पुलिस को हटाया जाए और जो भी वो उनकी तानाशाही कम कर दी जाए। विद्यासागर सिंह। विद्यासागर जी, क्या हुआ है, क्यों धरने पर बैठे हैं आप लोग? मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे चौराहे पे घेर कर पुलिस के द्वारा मारा गया है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और मेरे 25 दोस्तों को छात्रावास से उठा करके अभी तक पता निकाल ले गया है कि अभी तक कोई खबर नहीं आई है, लापता है वो। और ये जो कहा जा रहा है कि बिरला का LBS का मैटर है, हमें कुछ नहीं पता था, हम हॉस्टल के अंदर अपने रूम के अंदर थे, हॉस्टल के गेट को खटखटा के पुलिस आई, तोड़ी उसको, उसके बाद हम लोग को मारी है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग लंका चौराहे पे गए थे, शांतिपूर्वक वहाँ पे बैठे थे, पुलिस फिर से हम लोग को घेर करके वहाँ पे मारी है, उसमें मेरा सर फटा है, मेरा हार्ट टूटा है। पुलिस क्या मारे हैं? गुंडागर्दी करते हुए, गालियाँ देते हुए, हमें गाली देते हुए, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारा है हमको। मांगे क्या है आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? हमें न्याय मिले, हमारे 25 जो दोस्त हैं वो निकल जाए, हमारा हॉस्टल खोला जाए, और ये जो पुलिस कर्मी है जिन्होंने हम पे इतना अत्याचार किया है उनको सजा दी जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। हाँ, आपका नाम? जी, मेरा नाम रोहित कुमार वर्मा है, मैं LBS का छात्र हूँ, BA थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअली कल हुआ ये कि कुछ लड़कों ने आपस में मारपीट कर ली और इसके चलते LBS बिरला दो हॉस्टल आपस में लड़ पड़े, और फिर पुलिस प्रशासन आई, अंदर आई और एक एक लड़के को निकाल कर मारा, जो दिव्यांग थे उनको भी मारा, फिजिकल हैंडीकैप, गूंगे, लंगड़े, जो सबको मारा, मास्टर्स के सीनियर्स को और PhD के सीनियर्स को सबको गालियाँ, अभद्र गालियाँ देते हुए मारा। और इसके बाद जो है, जब ऐसा अति हो गया उन लोगों का, तो हम लोग बाहर निकले कि चलिए ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात अब प्रशासन तक पहुँचाई जाए। तो वहाँ पर वीडियो आप उसका सामने आया हुआ है, हम लोग शांति से बैठे हुए थे, सभी लोग आए, वो लोग दौड़ते हुए घेरा पहले और उसके बाद पकड़ के घसीट घसीट कर वहाँ पर मारा, किसी का सर टूटा फूटा, हड्डी टूट गई एक लड़के की, और बहुत ज़्यादा वो लोगों ने किया। इसके बाद से अभी तक ये देखिए धरना यहाँ पर चल रहा है, और हॉस्टल भी खाली करा लिया गया है, और दो हॉस्टल का एक हॉस्टल पर केवल कार्रवाई हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिन के मामले हैं, 15 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है और उनकी लोकेशन तक नहीं पता चल रही कि कहाँ ले गए हैं। पहले पता चला कि अमंडवाड़ी स्टेशन ले गए हैं और उसके बाद से कहीं भी घूमा जा रहा है, लेकिन कहीं भी उनकी लोकेशन नहीं पता चल रही है। और जबकि दिन की बात है, दिन में एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, कोई भी स्टूडेंट बाहर का चलिए किसी न किसी काम से आ जाता है, आप गिरफ्तार करके लेकर गए हैं और ये भी नहीं पता चल रहा है, और उनके साथ ना जाने अभी क्या कर रहे होंगे। जिस तरह का धन्यवाद। वीडियो बनाओ, 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 वीडिय